सर, ये जो डॉलर आपको नजर आ रहा है इसमें से मैं 50 डॉलर अभी आपके सामने विड्रॉ करवाता हूँ अपनी लोकल करेंसी में, अपने जैज कैश, इजी पैसे या बैंक ट्रांसफर में। आपको सारा का सारा प्रोसेस बताता हूँ। इसके लिए सबसे पहले आप अपने डैशबोर्ड पर आ जाइए। यहाँ पर आपको ये देखिए आपके वॉलेट की ऑप्शन नजर आ रही है, आपने इसके ऊपर क्लिक करके अपने वॉलेट को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप अपने वॉलेट को ओपन करेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरी कमीशन यहाँ पर फ्यूचर वॉलेट में पड़ी हुई है, जो मेरी कमीशन एफिलिएट प्रोग्राम के थ्रू है। यहाँ पर आप देख सकते हैं $191, इसमें से मैं $50 विड्रॉ करवाऊंगा। सो सबसे पहला जो प्रोसेस होगा, मैंने फ्यूचर वॉलेट में से अपने पैसे ट्रांसफर करने होंगे स्पॉट वॉलेट पे। सो मैं यहाँ पर जो फ्यूचर वॉलेट नजर आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करूंगी। देखिए यहाँ पर $191 आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ पर ये जो ट्रांसफर का बटन है इसके ऊपर क्लिक करूंगा सबसे पहले मैं। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर स्पॉट वॉलेट आ रहा है, नीचे फ्यूचर वॉलेट आ रहा है। मैं यहाँ पर ये जो बटन नजर आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करूंगा, मैं फ्यूचर वॉलेट से स्पॉट वॉलेट में ये ट्रांसफर करूंगा। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया आप देख सकते हैं यहाँ पर ये देखिए फ्यूचर वॉलेट इसके ऊपर चला गया, स्पॉट वॉलेट नीचे आ गया। सो मैं यहाँ पर USD 52 USD में स्पॉट वॉलेट में ट्रांसफर करूंगा। सबसे पहला प्रोसेस ये होता है। यहाँ पर जो मेरे पास अमाउंट अवेलेबल है उसमें से मैंने 52 USDT यहाँ पर लिखे, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास नीचे अवेलेबल नजर आ रहे हैं। सो मैं कंफर्म ट्रांसफर के ऊपर क्लिक करके इसको मैं ट्रांसफर कर दूंगा। जैसे मैंने कंफर्म ट्रांसफर पर क्लिक किया ये देखिए $139 रह गए हैं, बाकी मेरे स्पॉट वॉलेट में चले गए हैं। जैसे मैं अब स्पॉट वॉलेट के ऊपर आया यहाँ पर ये देखिए मेरे पास कुछ ऑलरेडी डॉलर पड़े हुए थे USDT, उसमें ये $52 ऐड हो गए। अब मैंने यहाँ से USDT स्पॉट वॉलेट से फंडिंग वॉलेट में ट्रांसफर करने हैं ताकि मैं विड्रॉ करवा सकूं। उसके लिए मैं अपने स्पॉट वॉलेट के ऊपर आके यहाँ पर ट्रांसफर का जो बटन है इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा मेरे सामने नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर ये देखिए अब मैंने स्पॉट वॉलेट में से फंडिंग वॉलेट में पैसे ट्रांसफर करने हैं, USDT ट्रांसफर करने हैं। यहाँ से ये नीचे BTC नजर आ रहा है, यहाँ से मैं USDT सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पर ये जो आपको नजर आ रहा है यहाँ से मैंने USDT सिलेक्ट की है, यहाँ पर ये देख सकते हैं आप। जैसे मैंने सिलेक्ट की यहाँ पर मैं अमाउंट लिखूंगा 52 लिख के मैं कंफर्म ट्रांसफर के ऊपर सिलेक्ट कर दूंगा। जीरो फीस है, कोई पैसे नहीं लगेंगे आपके। जैसे मैंने कंफर्म ट्रांसफर पर क्लिक किया ये देखिए मेरे पैसे यहाँ से माइनस होके फंडिंग वॉलेट में $52 चले गए। ये आप देख सकते हैं ये देखिए फंडिंग वॉलेट में मेरे $52 आ चुके हैं, जो कि मैंने एफिलिएट प्रोग्राम के थ्रू कमीशन अर्न की थी। इसको मैं अब अपने लोकल बैंक जैज कैश इजी पैसे या अपने बैंक ट्रांसफर में विड्रॉ करवाऊंगा। उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर ये जो P2P आपको नजर आ रहा है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर ये देखिए आपको ये P2P नजर आ रहा है ना, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करके अपने लोकल बैंक में ट्रांसफर करवाने हैं पैसे। जैसे आपने इसके ऊपर क्लिक किया यहाँ पर ये देखिए आपके पास डिफरेंट करेंसी नजर आ रही है, हमने USDT विड्रॉ करवाने हैं। यहाँ पर ये देखिए बाय का बटन है, हमने सेल के बटन पे क्लिक किया क्योंकि हम सेल करना चाह रहे हैं, विड्रॉ करवाना चाह रहे हैं। आपने सबसे पहला काम ये करना है, ये जो फिल्टर का बटन नजर आ रहा है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाएगी। जी हियर यू गो, आपके पास ये जो पहली ऑप्शन है आपने सेम एज इट इज रहने देनी है, बिकॉज इसके साथ आपको बैंक ट्रांसफर वाले भी ट्रेडर्स मिलेंगे, इजी पैसा वाले भी मिलेंगे, मिजान बैंक वाले भी मिलेंगे, रास्ट आईडी वाले भी मिलेंगे। और दूसरे नंबर पर इंपॉर्टेंट चीज, कंट्री आपने यहाँ से जो सेकेंड ऑप्शन है पाकिस्तान सेलेक्ट करनी है। आपको ये नजर आ रही है पाकिस्तान सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करें पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया आपने। इसके बाद आपने कंफर्म के बटन पर क्लिक कर देना। अब देखिए आपके पास जो सारे के सारे ट्रेडर्स नजर आ रहे हैं ये सारे पाकिस्तानी हैं, यहाँ पर इन्होंने वॉल्यूम दिया हुआ है। ये देखिए जो पहला ट्रेडर है ये 278 पे रेट दे रहा है आपको USDT का, लेकिन इसकी लिमिट मिनिमम अगर आप 1,00,000 रुपए विदड्रॉ करवाना चाहे तब आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये बैंक ट्रांसफर और मिजान बैंक की ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करें यहाँ पर ये देखिए फाल्कन ट्रेडर्स आप देख सकते हैं, इसने क्या कहा कि मिनिमम 7,000 रुपए भी आप निकलवा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख, इजी पैसा, रास्ट आईडी दोनों के थ्रू आप निकलवा सकते हैं। सिंपल मैंने सेल के बटन पे क्लिक करना है, यहाँ पर ये जो सेल का बटन नजर आ रहा है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर अगेन इसका जो रेट है ये डॉलर का रेट ही दे रहा है, मिनिमम लिमिट $25 से लेकर $45 आप निकलवा सकते हैं। यहाँ पर क्रिप्टो बाय क्रिप्टो, जहां मैं बाय क्रिप्टो करूंगा। यहाँ पर मेरे पास बैलेंस अवेलेबल है $52 जो मैंने अपने फंडिंग वॉलेट में ट्रांसफर किया था। यहाँ पर मेरा इजी पैसा का बोर्ड नजर आ रहा है, मैंने इजी पैसा ऑलरेडी ऑन एड किया हुआ है। अगर आप ओके बोर्ड ऐड करना चाहते हैं तो सिंपल इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैं दूसरा रास्ता ऐड करना चाह रहा हूँ, बैंक अकाउंट होता है आपके बैंक अकाउंट से लिंक हो जाता है, मैंने यहाँ पर अपना फोन नंबर यहाँ पर रास्ता ऐड किया और यहाँ पर मैंने कंफर्म के बटन पर क्लिक कर दिया। आप इस बैंक अकाउंट कर सकते हैं,
आपके वेरिफिकेशन के लिए आपके नंबर पर एक कोड जाएगा, जैसे आप कोड एंटर करेंगे यहाँ पर मैं कोड एंटर किया, यहाँ पर देखिए मेरा लास्ट आईडी जो मैंने अभी ऐड किया, इस तरह आप अपना बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना पेमेंट मेथड लास्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। सो फ्रेंड्स आपने अपना पेमेंट मेथड ऐड कर लेना है, आप यहाँ पर देखें मैं यहाँ पर क्वांटिटी ऐड करूंगा, कितने में विड्रॉ करना है 52 डॉलर मिलेगा, सो मैं यहाँ पर एंटर क्वांटिटी 52 डॉलर बाय क्रिप्टो ऐड कर दूंगा और यहाँ पर सेल विद जीरो फीस, यहाँ पर देखिए कितने पैसे बने 1475 बन गए। यहाँ पर सिंपल से मैंने सेल विद जीरो फीस पर क्लिक कर देना, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन, यहाँ पर जो ट्रेडर आपको टर्म्स एंड कंडीशन दे रहा है आपने जरूर पढ़ लेंगे, जैसे किसने कहा कि आपके अकाउंट में रिसीविंग लिमिट होनी चाहिए, उसके अलावा इसने बताया कि आपका लास्ट आईडी जैसे कैश में ना हो, आपके बैंक अकाउंट से लिंक हो, अगर आप दोनों पर चीजें ठीक है तो आप अपनी पेमेंट प्रोसेस कर सकते हैं। आपने देखिए आप इसको नेक्स्ट कीजिएगा, जैसे आपने सेल विद जीरो फीस पर क्लिक किया आपके सामने ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर देखिए वेटिंग फॉर बायर्स पेमेंट, यहाँ पर देखिए 2 मिनट स्टार्ट हो चुके हैं, बायर पेमेंट को एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पर देखिए टाइम स्टार्ट हो गया, आप इसके साथ चैट भी कर सकते हैं, चैट के बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन नजर आ जाएगी, चैट के बटन पर क्लिक किया आप इसके साथ चैट भी कर सकते हैं, अगेन इसने वही टर्म्स एंड कंडीशन दी है, आप यहाँ से ये भी देख सकते हैं, यहाँ से आप इसके साथ बातचीत कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर मैसेज करता हूँ सामने को, अब देखिए टाइम खत्म हो गया, टाइम स्टार्ट हो गया, जैसे मेरे बैंक अकाउंट में पैसे आते हैं, सबसे पहले आपके बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे 14,375 पे, जब पैसे आ जाए तब आपने यहाँ पर पेमेंट रिसीव का बटन दबाएंगे तो आपकी पेमेंट रिलीज हो जाएगी। सो मैं वेट करता हूँ, देखता हूँ मेरे बैंक अकाउंट में पैसे आते हैं तो आपको बताता हूँ। मुझे यहाँ पर मैसेज आ गया बैंक की तरफ से, आप देख सकते हैं मुझे बैंक की तरफ से मैसेज आ गया कि आपके अकाउंट में 14,375 पे आ गए हैं, इस बंदे ने शाहनवाज ने आपको सेंड कर दिए, सो इसका मतलब मेरे बैंक में पैसे आ चुके हैं। मुझे एसएमएस भी आ गया बैंक की तरफ से, मैं अपना बैंक अकाउंट ओपन करके कंफर्म कर लेता हूँ, कंफर्म करने के बाद मैं यहाँ पर नीचे बटन नजर आ रहा है पेमेंट रिसीव, इस पर क्लिक करूंगा। सो फ्रेंड मैंने अपना से लिया, मेरे अकाउंट पैसे आ चुके हैं, सो मैं पेमेंट रिसीव इस बटन पर क्लिक करूंगा, जैसे मैं इस बटन पर क्लिक करूंगा मेरे सामने नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाएगी, यहाँ पर देखिए अगर रिसीव पेमेंट इन योर अकाउंट, मेरा मैसेज होगा कि आपने पेमेंट रिसीव नहीं की, अगर नहीं आई तो आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे मुझे पेमेंट आ चुकी है, सेकंड ऑप्शन मुझे पेमेंट मिल चुकी है करेक्ट अमाउंट, सो मैं यहाँ पर ये बटन नजर आ रहा है इस पर क्लिक करूंगा सेकंड ऑप्शन पे, जैसे आपने इस पर क्लिक किया येलो हो जाएगा, अब आपने कंफर्म के बटन पर क्लिक करना, जैसे आप कंफर्म के बटन पर क्लिक करेंगे आपको एक वेरिफिकेशन का मैसेज आपके वेरीफाइड नंबर पर आएगा, वहां पर आपको जो कोड आएगा आपने एंट्री यहाँ पर करना है, तभी आपकी पेमेंट यहाँ से रिलीज होगी, आपकी क्रिप्टोकरेंसी 52 डॉलर यहाँ से रिलीज होकर उस ट्रेडर के अकाउंट में चले जाएंगे। बहुत सिक्योर है ये बाइनांस, मैसेज आने के बाद यहाँ पर मैंने कोड एंटर किया, सबमिट के बटन पर क्लिक किया एंड हियर यू गो, यहाँ पर देखें मेरे पैसे यहाँ से ट्रांसफर हो गए, आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप देख लीजिए कि मेरे अकाउंट से पैसे ट्रांसफर हो गए, मुझे इतने पैसे रिसीव हुए मेरे अकाउंट में, मेरे लोकल बैंक में आप जैसे कैश में भी इस तरह ले सकते हैं, और इस तरह मेरे अकाउंट से ये जो 52 USDT थे ये उस बंदे के अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके हैं। हाउ सिंपल इट इज, कितना